रेवेनेंट मर गया, स्कल आइलैंड ढल गया, किंग्स कैनियन में अंधेरा छा गया, भेड़िया बाहर आ गया और विराट कोहली एपेक्स में छा गया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये ऑफिशियल नहीं है बट मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंगली सीजन 5 में विराट कोहली भी लेजेंड्स के साथ दौड़ते हुए नजर आएंगे। विश्वास नहीं हो रहा, बने रहिए मेरे साथ, मैं मिलता हूँ आपको इंट्रो के उस पार। मैं हूँ विकेट, जय हिंद। We could play. सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आप सभी का जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया टीज़र के ब्रेकडाउन को देखने में, और इतने सारे सब्सक्राइबर मेरे साथ जुड़ गए, इतने सारे मेरे ब्रदर्स मेरे साथ जुड़ गए। थैंक यू सभी का जुड़ने के लिए। तो सीज़न 5 के इस नए ट्रेलर में हमें क्या देखने को मिला? सीजन 5 के इस नए ट्रेलर में हमें मिलता है किंग्स कैनियन का पूरा नया मैप। पूरा नया मैप तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन हाँ, स्कल टाउन जो कि हम सबका चाहता होता था, हॉट ड्रॉप में सबसे बेस्ट होता था, सबका कूदना वहीं चाहता, सब कोई कूदना वहीं चाहता था, वो स्कल टाउन अब नहीं रहा। और एक और जगह है जिसकी इस मैप में बैंड बजी है, जिसको हम कहते हैं थंडर डोम। जी हाँ, सिंग्स लैब जो है अपनी, जहाँ पे हमारी रेत दीदी का जन्म हुआ था, वहीं उसी के बस बाजू में पड़ता है थंडर डोम, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन जगह अब बना दी गई है फिर से। अब देखते हैं कितना बेहतरीन होगा, लेकिन वहाँ पे जो स्पेशल चीज़ हो रही है लोगों के साथ, लेजेंड्स के साथ, वो है कि आप वहाँ पे ड्रॉप करते के साथ ही अपना अल्टीमेट फुल रिचार्ज कर सकते हैं। ऐसा मैं कैसे कह पा रहा हूँ? मैं ऐसा इस वीडियो के इस क्लिप की वजह से कह पा रहा हूँ। आइए देखिए। तो ये तो बात हुई कि नए मैप में क्या कुछ नया हो रहा है। अब हम बात करेंगे हमारी लोबा दीदी की। तो हम बताते हैं, जैसा कि हमने पहले से अनुमान लगा लिया था कि अल्टीमेट क्या होने वाला है। अल्टीमेट जो है वो ये है कि आप दूसरों का हथियार छीन सकते हैं। अभी इस ट्रेलर से ये क्लियर नहीं हो रहा कि हम हथियार छीन रहे हैं, या हमें आसपास की लूट मिल रही है, या फिर हमारे सामने वाले एनिमी के पास जो हथियार है हमारे को वो मिल जा रहा है। इमेजिन करो अगर ऐसा होने लगे कि हमारे सामने वाले एनिमी के पास डिवोशन है और दीदी का अल्टीमेट यूज़ करके आपने भी अपनी छड़ी से एक डिवोशन निकाल ली, तो क्या बेहतरीन नज़ारा होगा। सामने सामने से दो डिवोशन ने टकराएंगी, कितना कूल लगेगा। लेकिन जैसे कि किंतु परंतु, मेरे को एक थॉट आ रहा है, जैसे कि रेवेनेंट का जब सीज़न 4 में अल्टीमेट दिखाया था तो बहुत लोगों को बहुत कूल लगा था डेथ टोटम, लेकिन ग्रेजुअली जब फाइट करने बैठते हैं तो अल्टीमेट जो है वो लोग बाग लेना अक्सर भूल जाते हैं, जो कि मेरे साथ तो होता है, अब आप लोगों का मेरे को पता नहीं। जैसे ही एनिमी रश करता है, ये सब भूल भाल के हम सीधा ताबड़तोड़ अपनी बंदूकें चलाने में लग जाते हैं। ये सब कहाँ दिमाग में रहता है कि भाई चलो अपने अपने हथियार निकाल लें, अपनी दुकान खोल के अपना बिजनेस चालू कर लें। आप लोगों का क्या स्टाइल रहता है एक फाइट में घुसने वक्त, मुझे ज़रूर बताना। क्या आप लोग भी रेड टोटम लेना पसंद करते हो? और लोबा दीदी का अल्टीमेट कूल है या अनकूल, क्या कहते हो जरा बताओ कमेंट में। अब बात करते हैं, तो ये तो बात थी अल्टीमेट की, अब बात करते हैं पैसिव एबिलिटीज़ की। जैसा हमने बहुत पहले ही अनुमान लगा लिया था, पैसिव एबिलिटीज़ क्या हैं,
कंगना ते रानी। जी हाँ, कंगने से टेलीपोर्ट हो जाती हैं दीदी, कभी इधर फेंक देती हैं कभी उधर फेंक देती हैं। लेकिन बहुत देर तक मैंने सोचा और मैंने ये एनालाइज किया कि यार कि कंगने से टेलीपोर्ट होके किसी रूम के अंदर जहाँ पे पहले से ही 3 एनिमी मौजूद हैं वहाँ पे क्यों घुसना चाहेंगी? 3 के बीच में अकेली जान कहीं फंस तो नहीं जाएंगी? तो मुझे ये लगा कि ये भी कहीं फीका नहीं पड़ जाए। आप क्या क्या कहना है जरा कमेंट में बता दे मेरे भाई। तो ये सब तो हो गया लेजेंड के बारे में, अब हम बात करते हैं नए गेम मोड के बारे में। नया गेम मोड जिसका नाम है टूटा हुआ भूत, ब्रोकन घोस्ट, जिसको लोग बाग बहुत ही उत्साहित हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं खेलने के लिए। जी हाँ, ये 4.5 मिनट का एक हंट होने वाला है जो कि आपको एक क्वेस्ट पे ले जाएगा जहाँ पे आप एक आर्टिफैक्ट रिट्रीव करेंगे अपने लिए, अपने मतलब लोबा दीदी के लिए। तो होगा क्या, बेसिकली डेली मिशन डेली ट्रेजर आपको मिलेगा, एक पेटी, छोटी पेटी जो कि आपको एक ही बारी मिलेगी, जिसका आप खजाना अपनी लॉबी से निकाल सकते हैं, आपको वो बैग इन गेम में यूज़ करने को नहीं मिलेगा। तो ऐसे करते करते आपको इकट्ठे करने हैं 5 बैग आप इकट्ठे करेंगे तो आपको ये ट्रेजर हंट, वीकली ट्रेजर हंट जो है उस पर जाने का मौका मिलेगा, जो कि 4.5 मिनट की है। और आप उस पर अपने दोस्तों के साथ तभी जा सकते हैं जब आपके पास वो 5 ट्रेजर बॉक्सेस पहले से अवेलेबल होंगे। ऐसे करके टोटल 9 ट्रेजर हंट्स हैं जो कि 9 वीक चलेंगे और 2 वीक एक्स्ट्रा हैं उसमें, शायद हाँ 2 वीक एक्स्ट्रा हैं जो कि ऑलरेडी प्रोलॉग में है और एंड में है, जो आपको स्टोरी बाद में मिल जाएगी जब ये पूरा सीज़न कंप्लीट होगा। तो एक तरीके से ये जो भी ट्रेजर हंट है ये साइड गेम है, अपना बैटल रॉयल और वो सब तो नॉर्मल तरीके से चलता ही रहेगा, बस हमें जाके 9 अलग अलग आर्टिफैक्ट्स रिट्रीव करने हैं लोबा दीदी के, और एंड में जाके आपको पता लगेगा कि ये माजरा एक्चुअली में क्या है, ये स्टोरी पूरी एक्चुअल में क्या है, तो हम जान पाएंगे कि ये ब्रोकन घोस्ट कौन है। तो आपको क्या लगता है ये ब्रोकन घोस्ट है कौन? क्या ये ऑक्टेन है, क्या ये मिराज है, या रेवेनेंट है, या फिर कोई नया ही कैरेक्टर है, नया ही कोई लेजेंड है जो कि इस गेम में सीज़न 6 में इंट्रोड्यूस होगा? तो जल्दी से आपको क्या लगता है, आपको क्या फीलिंग आता है अपने को जल्दी से बताने का कमेंट में। और नहीं तो ये पसंद आया वीडियो तो इसको लाइक करके जाने का।